हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। ये डेंथस का पौधा है और बहुत ही प्यारा फूल आता है। इसमें पूरी साल फ्लावर्स रहते हैं। तो इसकी केयर क्या है, इसकी केयर कैसे करें जो, और कैसे सेफ रखें इस प्लांट को पूरी साल, वो सारी बातें आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो ये मेरा पुराना प्लांट है, पूरा एक साल से फ्लावरिंग, पूरी साल इसमें फ्लावरिंग आई है। तो इससे मैंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं, तो इसको बहुत आसान है ग्रो करना। इसके कुछ बातों का ध्यान रखें इसमें। एक तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एसिडिक सॉइल नहीं इसको चाहिए होती है। नॉर्मल सॉइल बनाएं आप, सॉइल मिक्स जो बनाएं उसमें आप गार्डन सॉइल ले लें नॉर्मल, और उसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग डाल लें। और इसमें कोकोपीट वगैरह मत मिलाया करिए, आप नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिलाइए, और थोड़ी सी सेंड मिला दीजिए, 10%, ज़्यादा नहीं। और उसमें बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, थोड़ा नीम खली डाल सकते हैं, और पूरी साल रहता है और पूरी साल फ्लावरिंग करता है। और बहुत ही प्यारे कलर्स आते हैं इसमें, कई कलर आते हैं, पिंक, रेड, वाइट, डबल सेड में, सिंगल सेड में। तो इसको ज़रूर लगाएं, और बहुत ही कम केयर चाहिए होती है। और गमले की बात करें तो इसको बहुत गहरा गमला नहीं चाहिए होता है, जिसकी डेप्थ कम हो उसमें लगाइए तो उसमें ख़राब नहीं होता है। ट्रे में लगाएं तो बेस्ट है, अदरवाइज 6 इंच का गमला बेस्ट होता है इसके लिए। तो छोटे गमले में लगाएं जिसकी डेप्थ कम हो, तो उसमें ख़राब नहीं होगा। और इसका प्रोपोगेशन कैसे करें, तो इसमें एक तो सीड्स बनते हैं, आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। जब पुराना प्लांट्स हो जाता है तो फ्लावर हो जाता है, उसके बाद सीड बनते हैं, और कटिंग से भी बहुत आराम से ग्रो हो जाता है, तो आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आप काट लीजिए ऊपर से 2-3 इंच, और किसी भी गमले में आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज मिट्टी में आप नहीं ग्रो कर पाते हैं तो सैंड में कटिंग लगाया करिए, सैंड में बहुत अच्छी चलती है कटिंग। मैं तो मिट्टी में ही लगा देती हूँ गमलों में, तो मेरे बहुत अच्छा होता है। ये रूट्स में भी आप यहाँ से जब प्लांट को निकालेंगे तो रूट्स डिवीजन भी कर सकते हैं। तो एक प्लांट से फिर कई प्लांट आप बनाते रहेंगे। देखिए नए नए शूट्स भी आ रहे हैं इसमें नीचे से, तो वो भी आप अलग से निकाल के लगा सकते हैं। और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, मेरे पूरे साल इसमें फ्लावरिंग की है। तो एक्चुअली गमले जब खाली करने होते हैं तो मैंने एक साथ ही सबको लगा दिए थे, सारे कलर्स इसी में लगे हुए हैं मेरे, एक ट्रे में, और धूप में रखा रहा। धूप में रखिए, फ्लावरिंग अच्छी आती है। और इसमें नॉर्मल मिट्टी है, बस थोड़ी सी कंपोस्ट मिला दी थी, और साल भर पे मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, लेकिन फ्लावरिंग हमेशा ही आती रही। तो आप इसको कटिंग से भी बहुत अच्छी तरह से आप आराम से लगा सकते हैं, और रूट डिवीजन भी जब निकालेंगे तो रूट डिवीजन भी कर सकते हैं। वाटर की बात करें तो वाटर तो जैसे आप नमी पानी डाल दीजिए, मिट्टी सूख जाए तो पानी डाल दीजिए, तो पानी तो चाहिए है इसमें, बहुत गीला भी नहीं रहे, बट पानी एक एक दिन, जैसे मेरा ट्रे में है तो गर्मी में तो डेली डाल देती थी, डेली ज़रूरत पड़ती है, और सर्दी में तो एक दिन छोड़ के आप दे सकते हैं जैसे आपका थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। ये देखिए मेरा पुराना है पूरा, इतने सारे रूट्स हो गई थी इसमें, अभी मैंने निकाला, मोटी मोटी रूट्स हो गई थी। तो जो सूख गया है उसको उस कटिंग की और फिर नया मिट्टी बनाया, इस मिट्टी में बिल्कुल ताकत नहीं बची क्योंकि एक साल से लगा। इसमें सारा घास भी उग गया था, वो घास होती है ना जिसको दूब कहते हैं, उसकी इतनी सारी रूट्स हो गई थी। देखिए सारी ताकत इसी को मिल रही थी, प्लांट को नहीं मिल रही थी। तो इसको हटाया, पूरा पूरा चेंज किया मैंने पॉट को पूरा, और इसी से फिर कटिंग भी लगाई, कुछ कुछ रूट डिवीजन करके लगाया और कुछ कटिंग से लगाई मैंने। इस मिट्टी में बस गार्डन सॉइल है और वर्मी कंपोस्ट वो डाला है मैंने, और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में से कुछ भी एक चीज़ मिला लीजिए, उसी से में काम चल जाता है। और धूप की बात करें तो धूप तो इसको चाहिए, तो आप जहाँ भी धूप आती हो 3-4 घंटे की धूप भी आराम से इसको मिल जाए तो उसमें बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस पानी भी थोड़ा नमी बनी रहे, और कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसमें सीड्स देखिए बन रहे हैं, बहुत अच्छे से सीड्स आते हैं, इसमें डाल देती हूँ तोड़ के मैं, तो और नए नए प्लांट उग जाते हैं। तो बहुत कम केयर वाला है और पूरी साल चलता है। जैसे पर हल्का जैसे फ्लावर्स खिल गए तो हल्का सा कटिंग करते रहा करिए, तो नई साइड से नया प्लांट निकलता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। बस
इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगाइए, बहुत एसिडिक सॉइल मत बनाया करिए, वो मत मिलाया करिए इसमें, जैसे कोकोपीट वगैरह। अगर मिला दी है कभी तो वो होती ना उपलों की राख डाल दीजिए, तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत कम केयर वाला प्लांट है, लगाइए इसको। इस समय तो सीजन है इसका, नर्सरी से एक दो ले आइए आप प्लांट, और उसकी कटिंग कर करके लगा दीजिए, ढेरों बनाइए, और फिर पूरी साल रहता है उसको। जैसे थोड़ा सा केयर करते रहिए तो पूरी साल आपके पास रहेगा ये प्लांट। बस जैसे थोड़ा सा सूख गया, ऊपर से कटिंग कर दिया करिए हमेशा, तो नए शूट्स निकलते हैं नीचे से। और पानी का ध्यान रखिए गर्मियों में तो, और फिर आप उससे नए प्लांट बनाइए सर्दियों के लिए। बहुत ही कम केयर वाला प्लांट है, तो लगाइए इसको। मुझे लगा, मैंने एक्चुअली अभी रिपोर्ट इसको किया था, कुछ कटिंग मैंने पहले ही लगा दी थी, उसमें फ्लावरिंग हो रही है। इस गमले में अभी पूरा मदर प्लांट, मतलब इसमें मान लीजिए अभी मदर प्लांट है, इसमें सारे एक कल सारे कलर्स के एक में ही लगा दिए थे मैंने, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये था डेंथस के बारे में छोटा सा एक वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।